असलकुम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ़ चैप्टर नंबर ट्वेल्व टेंथ क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर ट्वेल्व इज़ अबाउट जो मेट्रिकल ऑप्टिक्स इसके अंदर मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कित कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से जो आपको लाजमी तौर पर लर्न करके जाना चाहिए बॉर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर टेन और अलेवन की मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने इंपॉर्टेंटें शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया यू कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच द वीडियो ओके okay, तो अब इस चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं मेरे फर्स्ट पेज पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक है ये शॉर्ट uh, क्वेश्चन के तौर पे आपने इसको प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चन में इसके लिए अब क्या क्या आपने करना है तो इसकी जो ब्लू बॉक्स में डेफिनेशन लिखी है वो आपने सबसे पहले अच्छे तरीके से लर्न करनी है उसके बाद इसकी ये जो डायग्राम देनी है ये आपने करनी है डायग्राम में लाइक ये इंसिडेंट रिफ्लेक्ट सॉरी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए उसके बाद ये जो इससे डायग्राम से ऊपर वाला पैराग्राफ है इसके अंदर उसने इसी डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है एंगल ऑफ़ इंसिडेंस क्या है तो वो आप सारा आ, एक टेक्स्ट की फॉर्म में जब उसे लिखेंगे या याद करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें नो no प्रॉब्लम लेकिन अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही है तो उसके लिए यही एक इजी वे है कि आप डायग्राम को कर लें डायग्राम में सारी चीज़ें को जब आप अच्छे तरीके से लेबल कर लेंगे तो एग्जामिनर को ऑब्वियसली मालूम हो जाएगा कि आपको पता है कि इंसिडेंट रे क्या है रिफ्लेक्टेड रे क्या है उसके बाद लाज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आ, जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाज ऑफ़ रिफ्लेक्शन ठीक है ये दोनों आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं ठीक है ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट लिहाज सॉरी दोनों लाज जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पेज पर अगर हम जाएँ तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपने अच्छे से याद करनी है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है तो इसकी आपने डेफिनेशंस को भी लर्न करना है जब डेफिनेशन आप लर्न कर लें तो इसके बाद इसकी जो साइड पे डायग्राम्स बनी हुई हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रेगुलर जो है वो आपने इस पैराग्राफ में से याद करना है इसके ऊपर से लाइक मैं निशान लगा रही हूँ अगर फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ किसी को बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी लग रहा है अक्सर बच्चों को थोड़ा मतलब ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हो तो थोड़ा ज़्यादा लगता है और वो बच्चे छोड़ देते हैं तो छोड़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर से ही आप डेफिनेशन को कर सकते हैं ठीक है ये मैंने निशान लगा दिए इतनी डेफिनेशन आप कर लें ठीक है और दीज की बजाय दा लिख लेंगे यानी स्मूथ सरफेस के थ्रू जो हो रहा है रेगुलर है और अगर आपका रफ़ सरफेस है देन इ रिफ्लेक्शन है उसके बाद ये जो साथ डायग्राम्स हैं है। है। ये आप करने इसके साथ उसके बाद सफेरिकल मिरर है सफेरिकल मिरर की आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए ये जो सफेरिकल मिरर की डेफिनेशन के बाद पैराग्राफ का जो पार्ट है यानी डायग्राम से ऊपर वाला इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है सारा लाइक सफेरिकल मिरर की सर्फेस के बारे में कौन सी कॉटिंग हुई होती है कौन सी सर्फेस कोट हुई होती है कौन सी नहीं होती पॉलिश सर्फेस कौन सी होती है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कौन सी होती है इसको सारा आप जस्ट रीड आउट कर लें एम के लिए ठीक है उसके बाद जब आप आ, आगे देखते हैं हम तो टाइप्स ऑफ सफेरिकल मिरर है ये आपने लाजमी लाजमी तौर पर करनी है इंपॉर्टेंट है ये कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर ठीक है इनकी यहाँ से आप डेफिनेशन कर सकते हैं इसके अलावा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का जो डिफरेंस है ना वो भी इम्पॉटेंट है डेफिनेशंस के नेक्स्ट वाली जो लाइंस है उनको आप एम के लिए अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेंगे किस मिरर से किस टाइप की इमेज जो है वो बनती है और इनका डिफरेंस आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है ठीक है नेक्स्ट पे आ, आ जाता है पोल है प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके साथ जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं मिरर से रिलेटेड वो आपने अच्छे तरीके से करनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है पोल क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए ये छोटी छोटी डेफिनेशनज है ये आप कर लें रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्रिंसिपल एक्सिस है नेक्स्ट टू प्रिंसिपल फोकस है दिस इज़ सम हाउ लेंथ आ, अगर हम इसे कंपेयर करें आ, ये पॉल कर या प्रिंसिपल एक्सिस इफ़ आपको ये लर्न करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इसको मुकम्मल स्किप करने के बजाय इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को याद कर लें जैसे कि यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि, कि कनकेव मिरर जो है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और जहाँ पे सारी रेस कन्वर्ज होकर मीटअप मीट कर रही हैं उसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं ठीक है थीके? तो पहली पहली दो तीन लाइंस जहाँ से आपको लगता है कि डेफिनेशन बन सकती है वो आप कर लें इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल फोकस पूछा जा सकता है तो ये मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ से आप डेफिनेशन को ईजिली लर्न कर सकते हैं ठीक है थीके? लाइक बहुत ज़्यादा इसको कम्पलीटली स्किप करने से बेहतर है कि आप इसकी कुछ लाइन्स को लर्न कर लें ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो आपको मिल जाएं ओ तो ये दोनों डेफिनेशन मतलब कन्वर्जिंग मिरर के लिहाज से भी और डाइवर्जिंग मिरर के लिहाज से भी उसने प्रिंसिपल फोकस को डिफ़ाइन किया ठीक है, है? उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर और कन्केव मिरर का डिफरेंस जो ऑलरेडी बुक में गिवन है मैंने जब आपको पहले भी अभी कनकेव मिरर और कन्वेस मिरर का बताया तो मैंने आपको कहा कि इसकी आपने डिफरेंस को लर्न करना है तो वहाँ से तो आपने डेफिनेशन की होगी एक डेफिनेशन का डिफरेंस बन गया है दो डिफरेंस उसने ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं आप इन दोनों में से कोई एक भी कर लें तो एक तो डेफिनेशन का डिफरेंस हो गया है कि ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपने वही दो डिफरेंस लिखने होते हैं उसके बाद ये जो आगे रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है ना ये यही मैं बता रही हूँ देखिए ये वाला जो पहले पेज पे रिफ्लेक्शन है ये प्लेन मिरर का है ठीक है अब जो हम नेक्स्ट पेज पर पे देख रहे हैं जो आपके डिफरेंस से नीचे वाला पैराग्राफ है वो सफेरिकल मिरर की रिफ्लेक्शन है ठीक है वैसे तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना दोनों में सेम है प्लेन मिरर में भी है सफ़ेरिकल मिरर में भी ठीक है यानी वही इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे सिर्फ डिफरेंस क्या है मिरर uh, की शेप का वो प्लेन मिरर था और ये हमारे पास सफेरिकल मिरर है तो इसीलिए आप ये वाला टॉपिक स्किप कर सकते हैं इसमें भी वही चीज़ें इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और ई तो ये वो अगर आपने कर लिया तो इसको आप स्किप कर देंगे एक्टिविटी भी आप स्किप कर सकते हैं उसके बाद आगे आ, आ जाता है हमारे पास इमेज लोकेशन बाय सफेरिकल मिरर फॉर्मूला सिंपली वी कैन से कि दिस इज द मिरर फार्मूला इसकी आपने डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है डेफिनेशन से ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है फार्मूला की दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग नुमेरिकल्स ये नुमेरिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस चैप्टर के ठीक है तो ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस इमेज के डिस्टेंस का आपस में क्या रिलेशन है अगर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करें तो यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशनस हैं लाइक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव किस केस में होता है लाइक रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये सारे आपने एम के लिए याद करने हैं अच्छे तरीके से इसमें से एम आ सकते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी उसे आप स्किप कर सकते हैं तो इफ वी मूव फॉरवर्ड देन एन टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अभी जो अभी हम पीछे पढ़ के आए वो सारा जो था वो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड था अब आ गया हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसकी डेफिनेशन अच्छे से मालूम होनी चाहिए ये मैं निशान लगा रही हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने याद करना है ठीक है उसके बाद जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन के साथ उसकी डायग्राम पे फोकस किया था सेम उसी तरह हमने रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट में भी डेफिनेशन के साथ इसकी डायग्राम को करना है इंसिडेंट रे का मालूम होना चाहिए रिफ्रैक्टेड रे का मालूम होना चाहिए नॉर्मल क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्रैक्शन ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए जैसे उधर पैराग्राफ के अंदर रिफ्लेक्शन के अंदर पैराग्राफ के अंदर उसने एक्सप्लेन किया हुआ था ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इसी तरह ये इसके नीचे जो पैराग्राफ है डायग्राम से नीचे इसके अंदर भी उसने वही चीज को एक्सप्लेन किया तो यहां भी मैं वही कहूँगी कि पूरा पैराग्राफ को रट्टा मारने के बजाय अगर डायग्राम आप समझ के अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो इनफ है उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है रिफ्रेक् जैसे रिफ्लेक्शन के लाज इम्पॉर्टेंट है वैसे ही रिफ्रैक्शन के लाज भी इंपॉर्टेंट है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लाइन है ये तो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं ठीक है तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं अगर स्नेल्स ला आया तो वो लाज ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन को लिखने लग जाते हैं यानी फर्स्ट वाला भी लिखते हैं सेकेंड वाला भी लेकिन स्नेल्स ला सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ला है ठीक है यानी जो लाज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड वाला पॉइंट है उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है इस पैराग्राफ को आप जस्ट रीड आउट कर लें इसके अंदर से जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं उसको एमसीक्यूज के तौर पर याद कर लें कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या है कि कोई मीडियम है तो उसमें क्या है ठीक है एम के लिए देख लें उसके बाद आगे आ जाता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमारे पास इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद करना है ठीक है इसका फॉर्मूला भी नोमेरिकल्स के अंदर आई थिंक यूज होगा इस चैप्टर के ठीक है उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास टॉपिक एन अदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ठीक है अब जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट थे उनकी डेफिनेशन आपने किए हैं तो आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की भी डेफिनेशन अच्छी तरह से याद करना है इस पैराग्राफ में से एक और डेफिनेशन निकल रही है क्रिटिकल एंगल की वो भी आपको मालूम होनी चाहिए ठीक है ये दोनों आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाजमी तौर पर याद करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी और क्रिटिकल एंगल को भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से बन रही है वैन नो रिफ्लैक्शन अक्कर से लास्ट तक और फिर ये मैंने क्रिटिकल एंगल की भी डेफिनेशन का निशान लगा दिया ठीक है बाकी आ, आप अगर तो ये पूरा पैराग्राफ कर सकते हैं तो कर लें क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है बाकी शॉर्ट में तो यही जो मैंने निशान लगाया इतना आप कर लें ये इनफ है नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन इसके डिफरेंट हैं ये लाइक प्रिजम में है ऑप्टिकल फाइबर में है एंडोस्कोप है लाइट पाइप है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है अब ये जो प्रिज्म वाला ये अक्सर स्टूडेंट्स uh, को uh, मुश्किल लगेगा आई थिंक कि इसके अंदर वो सारा एंगल्स का बताया कहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है कहाँ से नहीं तो ये पूरे पैराग्राफ को अगर आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो ये जितना मैंने निशान लगाया आप इतना याद कर लें मतलब कहने का मकसद ये है कि बच्चे मुश्किल चीज़ को देख के उसको पूरा का पूरा स्किप कर देते हैं तो हर चीज़ को पूरा स्किप करने से बेहतर है कि आप उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन निकाल लें और वो याद कर लें ताकि आपको कुछ नंबर तो मिले ना समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग उसके बाद आगे आ जाता है ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर में कोर को क्लैडिंग को वैसे ये ना शॉर्ट के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ये कोर और क्लैडिंग का मालूम होना चाहिए कोर क्या होता है क्लैडिंग क्या होती है ये अगली लाइंस भी जो है ना कोर के बारे में ही है क्लैडिंग के बारे में तो ये भी आपने इसके साथ ही लिखना है उसके बाद ये पाकिस्तान में किस तरह से मतलब किस लिए यूज़ हो रहा है इसको बस देख लें एक बार काफ़ी है लाइट पाइप को आपने अच्छी तरह से याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ठीक है लाइट पाइप क्या है कहाँ पे यूज़ हो रहा है उसकी एग्जांपल नेक्स्ट आ जाता है एंडोस्कोप एंडोस्कोप को आपने इसकी डेफिनेशन करनी है ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है इसको मतलब इसको शॉर्ट के लिहाज से कर लें जो पहली दो एप्लीकेशन थी ना प्रिज्म और ऑप्टिकल फाइबर वाली वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो ये अगली वाली दो हैं एप्लीकेशन ये दोनों शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं ठीक है ये फिर गेस्ट्रोस्कोप सिस्टोस्कोप ब्रोंकोस्कोप कौन से एंडोस्कोप हैं या किस को एग्जामिन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं या अपने एम सी क्यूज के तौर पर भी याद रखना है और शॉर्ट के लिए भी उसके बाद एंडोस्कोपी की डेफिनेशन है वो करनी है आपने उसके बाद आगे आ जाता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म अच्छा अब इसको भी आपने शॉर्ट के लिहाज से तो वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हैं लॉन्ग के लिहाज से चलें वो जब मैं लॉन्ग बताऊंगी तब बता दूंगी ठीक है अब आगे आ जाता है हमारे पास लेंजेस लेंजेज में हमने करना है डेफिनेशन इसकी कर लें उसके बाद इसकी टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ लेंजेस में हमारे पास कन्वैक्स लेंस है कनकेव लेंस है ये आपको मालूम होना चाहिए ठीक है इनकी डेफिशन आपने अच्छे से करनी और जैसे जैसे आपने वो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का डिफरेंस किया ना इसी तरह आपने ये कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का भी डिफरेंस अच्छे से याद करना है ठीक है इनका डिफरेंस आ सकता है उसके बाद आपने यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो याद रखनी है वो ये कि जो ये कन्वेक्स लेंस है ना वो कन्वर्जिंग लेंस है बट कनकेव जो मिरर है ना वो कन्वर्जिंग है तो इस बात को जरा देख लें कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है लेकिन कन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग नहीं है इसको ज़रा आपने ध्यान रखना है अक्सर मिक्स हो जाता है ये बच्चों से तो ये आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि मिरर और लेंस में कौन कन्वर्जिंग है और कौन डाइवर्जिंग है उसके बाद लेंस की टर्मिनोलॉजी ज़्यादा आती हैं जैसे मिरर में हमने देखा प्रिंसिपल एक्सेस कर्वेचर और ये सारी चीज़ें आपने करनी है ठीक है पोल करना है ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन करनी है प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन देख है शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बाद फोकल लेंथ है इसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल फोकस भी आ, आपने इसको देख लेना कन्वर्जिंग लेंस के हिसाब से या डाइवर्जिंग के हिसाब से ठीक है अगर सारा नहीं कर सकते तो ये शुरू वाली तीन लाइन एटलीस्ट कर लें एक्टिविटी आप स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता है हमारे पास पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन अच्छे से करनी है फॉमूला करना है इसका यूनिट करना है और वन किसके इक्वल होता है वन पर मीटर के ये आपने एम के लिए याद रखना है ठीक है मतलब इसमें वही नाइन्थ में जैसे करते थे डेफिनेशन फॉर्मूला यूनिट तो इसमें वो आ गया उसके बाद फोकल लेंथ को देख लेना कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी ये आप एम देख लें ठीक है उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय लेंजेस इसके अंदर आपने सबसे पहले तो ये तीन प्रिंसिपल्स करने हैं ना लाइक हमने अगर ये डायग्राम बनानी है तो इसके जो तीन प्रिंसिपल्स हैं ये तीन प्रिंसिपल्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं नॉट मच इंपॉर्टेंट बट फिर भी आप तीनों याद कर करें उसके बाद आगे आ जाती हैं जी ये डायग्राम्स आई थिंक सो द डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर तो आप इसको अगर स्किप करना चाहते हैं तो कर दें अक्सर बच्चों की रेज मीट नहीं हो रही होती हैं तो आप इसे स्किप कर दें आ, लेकिन कम्प्लीटली स्किप करने से बेहतर है कि आप इसकी जो लाइक ये लिखा हुआ है ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा तो इमेज किस तरह का बनेगा इसको आपने याद कर लेना कि लाइक like ऑब्जेक्ट अगर एफ और टू एफ़ के दरमियान में है तो इमेज आपका बियॉन्ड टू एफ़ बन रहा है और किस तरह की नेचर होगी इमेज की तो ये वाली चीज़ें आपने ना एम सी क्यूज के उसके लिए देख लेनी है ठीक है पूरा टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं करना डायग्राम स्किप कर दें लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे इमेज कहाँ पर बनेगा ये सारी चीज़ें देख लें ठीक है नेक्स्ट पेज पे आ जाता है हमारा इमेज और सॉरी लेंस फार्मूला जैसे पीछे मिरर फार्मूला पड़ा है लेंस फार्मूला भी सेम वैसे ही है बस बात वही है कि वहाँ पे मिरर यूज़ हो रहा था यहाँ पे लेंस यूज़ हो रहा है ये आपने अच्छे से करना है फॉर्मूला वही नुमेरिकल्स में यूज़ होना है नेक्स्ट साइन कन्वेंशन हैं जैसे मिरर की साइन कन्वेंशन हमने एम के लिए किए हैं हम इसकी साइन कन्वेंशनस भी एम के लिए देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लेंजेस एप्लीकेशन ऑफ लेंजेस जो है वो इंपॉर्टेंट है जैसे एप्लीकेशन ऑफ मिरर इम्पॉर्टेंट थी एप्लीकेशन ऑफ सॉरी एप्लीकेशन ऑफ मिरर जो था उसके अंदर मैंने बताया था कि फर्स्ट वाली दो तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट वाली दो इंपॉर्टेंट है इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसी तरह यहाँ पर जो एप्लीकेशनस है ना तीन है इसकी कैमरा फोटोग्राफी लार्जर है और एक जो है हमारे पास वो क्या है भला स्लाइड प्रोजेक्टर के ठीक है अच्छा ये तीनों आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हाँ करनी है अगर आपको ये थोड़े मुश्किल लग रही हैं तो आप एटलीस्ट ये याद कर लें कि अगर मतलब इसके अंदर कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है इमेज कहाँ पे बन रहा है इमेज किस टाइप का बन रहा है तो कम्प्लीटली टॉपिक्स को स्किप करने से बेहतर है कि ये चीज़ें याद कर लें लाइक जिसके जैसे इसके अंदर लिखा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एफ टू एफ़ के दरमियान होगी इमेज इन्वर्टिड बनेगा ये सारी चीज़ें ना आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है तो इसमें से ये वाली लाइंस आप याद कर लें बाकी अगर आप स्किप करना चाहें तो वो भी स्किप कर सकते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप इतनी चीजें तो आपको याद होनी चाहिए मस्ट ठीक है नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप दीज क्वेश्चन आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग नॉट फॉर द शॉर्ट बट फिर भी हम देखते हैं कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन आप कर लें ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है ठीक है डेफिनेशन करनी है साथ इसकी एग्जाम्पल कर लें आगे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ना नेक्स्ट <coughs> पेज पे फीचर्स हैं वो आप अच्छे से याद कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट इफ़ यू वन ना डू देन आप कर लें इसको ठीक है फीचर्स कर लें इसके तीन वैसे भी ये क्वेश्चंस लॉन्ग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है जब मैं लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी तो इन इसमें से बताऊंगी आपने क्या क्या, क्या करना है यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको आप कर लें ठीक है यूजेस वैसे भी किसी भी लाइक like, मतलब टॉपिक में हों तो वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं आगे टेलीस्कोप की डेफिनेशन कर लें वर्किंग वगैरह ये सब कुछ स्किप कर दें आगे आ जाता है ह्यूमन आई अब ह्यूमन आई का जो पैराग्राफ है ना इसमें से छोटी छोटी डेफिनेशनस निकलती हैं वो आपने करनी है जैसे ये पिपल की डेफिनेशन है आयरस की डेफिनेशन है कॉर्निया की डेफिनेशन है तो ये डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करनी है अब ह्यूमन आई का पूरा पैराग्राफ अगर आप नहीं भी याद करना चाह चाहें तो ये लास्ट से थोड़ा सा पोर्शन आप लाजमी याद कर लें ठीक है लाइट एंटर्स से लास्ट तक रेंज ऑफ डिस्टेंस तक नेक्स्ट आगे आ जाता है अकोमोडेशन अकोमोडेशन में अक ऐसे शॉर्ट के लिहाज से कोई इतना खास इम्पॉर्टेंट नहीं है स्टार्टिंग से ठीक है ये सारी मैंने लाइंस अंडरलाइन कर लिया यहाँ से आप देख लीजिएगा ठीक है ये सारा आपने कर लेना ऊपर वाला पैराग्राफ आप छोड़ना भी चाहें तो इट्स ओके बट लास्ट से आपने लाजमी करना है अकोमोडेशन का मैं बता रही थी कि अकोमोडेशन का जो है ये आ, इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आप ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना इसमें देख लें कि अगर ऑब्जेक्ट आँख से दूर पड़ी हो तो सिलेरी मसल्स किस तरह से एक्ट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है कम होता है फोकल लेंथ कम होती है ज़्यादा होती है ये एम सी क्यू उसके लिए देख लें और जब एम सी क्यू उसके लिए कर लिया तो ओबियसली अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो वो भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इसकी डेफिनेशन है ये जो ब्लू बॉक्स में लिखी है ठीक है डेफिनेशन इसकी कर लें अगर अकोमोडेशन मतलब डिफेक्ट्स इन अकोमोडेशन वो कैसे करेक्ट हो सकते हैं ये देख लें आगे नीयर पॉइंट है फार पॉइंट है इसकी डेफिनेशन आपने करनी है बाकी मैथमेटिकल टर्म्स तो ऑब्वियसली एम सी की लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ये देख लें नियर पॉइंट क्या होता है आई का ये देख लें आगे आ जाते हैं हमारे पास डिफेक्ट्स ऑफ वी एन डिफेक्ट्स ऑफ वीएन भी इंपॉर्टेंट है इनकी इसकी आपको सबसे पहले तो डिफेक्ट्स ऑफ वी की डेफिनेशन उसके बाद मायोपिया है हाइपर मेट्रोपिया इनकी डेफिशन आपने ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है इनकी डेफिशन आपने करनी है फिर ये जो लाइक फार साइडनेस है या हाइपर मेट्रोपिया ये किस वजह से होता है यानी इसके अंदर फोकल फोकलेंस शॉर्ट हो रही है लॉन्ग हो रही है क्या और है, क्या मसला है यह आपको मालूम होना चाहिए फिर मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं इसका लाइक like, कौन सा लेंस यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मायोपिया में हम यूज़ कर सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस इसको इसकी करेक्शन के लिए और जो नेक्स्ट फार साइटनेस है उसमें हम कंसिल लेंस यूज़ करते हैं उसकी करेक्शन के लिए तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो इसमें मैंने um, कोशिश की है सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करने की इफ़ यू वन ऑफ वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस दैन सब्सक्राइब माई चैनल इसके अलावा मैं टेन और अलेवन चैप्टर का ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग नमेरिकल्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता चुकी हूँ यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच दोडियोज़ होप सो यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब फॉर मोर अल्लाह हाफिज